जब भी आप अपने लिए मार्केट में कोई लैपटॉप ढूंढने निकलते हैं तो मार्केट में जाके आपको पता लगता है कि भाई ये स्मार्टफोन खरीदते जितना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। एक लैपटॉप खरीदते समय ना आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसका डिस्प्ले होता है, प्रोसेसर होता है, जीपीयू होता है और काफ़ी सारी पार्ट्स अलग अलग होते हैं। और किसी भी नए इंसान के लिए ये बहुत ही इंटीमिडेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है क्योंकि इसके नाम ही इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि किसी भी बिगनर के लिए इनको प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो हाय गाइस, आई एम मयंक और मैं आज आपकी हेल्प करने वाला हूँ आपको सारे फीचर्स बताने में जो भी आपको लैपटॉप खरीदते समय कंसिडर करनी चाहिए ताकि आपका पैसा किसी गलत मशीन की तरफ ना चला जाए। और अगर आप बिगनर हो तो इस वीडियो से जो भी पॉइंट्स है उनको एक चेकलिस्ट में बना के रख लेना ताकि आप इस चेकलिस्ट को अपनी बाइंग के टाइम पे यूज कर सके एंड अपने हिसाब से अपना परफेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना लैपटॉप चूज कर सके। अगर आपको ऐसी टेक रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी रिसेंटली क्रॉस्ड 1K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल, सो थैंक्स फॉर दैट। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से अभी अपनी लिस्टिंग की तरफ चलते हैं। सो लैपटॉप खरीदने से पहले या फिर कोई भी गैजेट खरीदते समय सबसे पहली चीज़ जो आपको डिसाइड करनी चाहिए वो होता है आपका बजट। ऐसा है कि मार्केट में प्रोडक्ट्स को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि आप हर 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पे एक नया प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो जो कि अपने प्रीवियस प्रोडक्ट से बेटर होने वाला है। तो आप बस यही सोचते रह जाओ कि यार 5 हज़ार दे देते हैं और बेटर प्रोडक्ट मिल जाएगा, और 5 हज़ार दे देंगे यार इससे भी बेटर लैपटॉप मिल जाएगा। तो ऐसा करते करते आप अपना बजट कितना ऊपर पहुँचा देंगे ना आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए अपना ना एक फिक्स बजट बना के चले, चाहे वो 30 हज़ार हो, भाई 50 हज़ार हो, 1 लाख हो, मैटर नहीं करता। अपना एक फिक्स बजट बना के रखिए एंड उस बजट के अंदर ही आपको अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप जरूर मिल जाएगा। तो बिना बजट डिसाइड करे तो आगे बढ़ना नहीं है। अब जाते हैं हम लोग चेकलिस्ट 2 की तरफ। इसमें आपको ना डिसाइड करना है कि यार आपका पर्पस क्या है, क्या आप स्टूडेंट हो, क्या आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हो, क्या आप उसको सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो और क्या आप उसको सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए यूज़ करना चाहते हो। ऐसे चार मैंने क्राइटेरियाज बांट रखी है। स्टूडेंट के अंदर मैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अलग रिकमेंडेशन दूंगा और मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अलग रिकमेंडेशन दूंगा। स्कूल स्टूडेंट्स एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी थिन एंड लाइट लैपटॉप की तरफ जाए क्योंकि आपको एज सच ग्राफिक कार्ड की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होगी। तो आपके लिए कोई गेमिंग लैपटॉप लेना तो सूटेबल बिल्कुल भी नहीं रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी है, कितना बल्कि लैपटॉप लेके घूमोगे। अगर आप गेमर हो और क्रिएटिव वर्कर हो तो आपके लिए ना गेमिंग लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे क्योंकि इनके अंदर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर और काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा होता है जिससे आप अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल पाओगे इन लैपटॉप से। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप तो यार मिक्स ले सकते हो इनका, चाहे तो तुम फिर एक गेमिंग लैपटॉप की तरफ भी जा सकते हो क्योंकि कॉलेज के अंदर हम लोग सिर्फ कोडिंग नहीं करते, हम लोग और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। लाइक हमको गेमिंग भी करनी होती है एंड मल्टीपल चीज़ें और भी करनी रहती है, लाइक 3D मॉडलिंग होगी, तुम समझ गए यार, कोडिंग के अलावा भी हम लोग काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके लिए आप एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप की तरफ भी जा सकते हो, चाहे तो तुम थिन एंड लाइट लैपटॉप की तरफ भी जा सकते हो। सो यहाँ पर हमने अपना पर्पज़ भी डिसाइड कर लिया है, ठीक है, नोट करके रख लेना कि तुम्हारा पर्पज़ क्या है। अब थर्ड चेकलिस्ट की बात करते हैं जो कि आता है हमारा परफॉर्मेंस। किसी भी लैपटॉप के अंदर परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन हम लोग चार चीज़ों के थ्रू करते हैं। सो लैपटॉप के अंदर देखा जाता है कि उसका प्रोसेसर कैसा है, उसका जीपीयू कैसा है, उसकी रैम कैसी है एंड उसकी एसएसडी कैसी है। इन चारों की परफॉर्मेंस से ही ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। सो रैम एंड एसएसडी की बात हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की। सो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये बेसिक नंबर की स्कीम जरूर पता होगी कि i3, i5, i7, i9 ये इंटेल के प्रोसेसर्स होते हैं और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। एंड सिमिलरली राइजन के अंदर Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 एंड Ryzen 9 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। ये आपको बेसिक पता होगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। बट अब जिस चीज़ की तरफ हमको ध्यान देना है वो है इनकी जनरेशन एंड इनकी सीरीज। इंटेल की बात करते हैं तो इंटेल के 12, 13th एंड 14th जनरेशन इस वक्त सेल हो रहे हैं। राइजन के अंदर 5000, 6000, 7000 सीरीज करंटली सेल हो रही है। इन इस साल आपको 8000 सीरीज के भी लैपटॉप शायद देखने को मिल जाए। अगर आपको इंटेल की तरफ जाना है तो आप 11th जेन की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, चाहे वो आपको कितना ही सस्ते प्राइस में मिल जाए वो भी बिल्कुल भी परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा पुराना प्रोसेसर हो चुका है। आपको जो प्रोसेसर इंटेल के अंदर खरीदना है वो होने चाहिए 12th या उससे ऊपर की जनरेशन। और अगर आपको राइजन के अंदर जाना है तो राइजन के अंदर आपको 6000 सीरीज से ऊपर के सारे देखने होंगे। बट अगर आपका बजट कम है और आपको सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डील मिल रही है राइजन 5000 सीरीज के अंदर, मैं 11 जनरेशन की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा, 5000 सीरीज 11 जेन से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर थी इंटेल के, तो राइजन के 5000 सीरीज के लैपटॉप आप चाहे तो 50000 के अराउंड अगर आपको गेमिंग लैपटॉप्स मिल रहे होंगे तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं। ये अब हमने कर ली जनरेशन की बात, अब बात करते हैं सीरीज की। सो लैपटॉप के अंदर ना टोटल 4 सीरीज आती है, UPHNHS। यू हमारे ऐसे प्रोसेसर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करते, ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और ये अपनी बैलेंस्ड एक लो पावर परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करते हैं ताकि आप अपने सारे के सारे बेयर मिनिमम काम आराम से कर सकें। और ये ना उन टास्क के लिए ज़्यादा सूटेबल है जिसमें आपको कोई भी ऐसा हैवी लोड नहीं डालना होता सीपीयू के ऊपर, लाइक उसके ऊपर कोई रेंडरिंग नहीं करनी, गेमिंग नहीं करनी, तो ये नॉर्मल काम आपके आराम से करा देंगे डे टू डे लाइफ के।
और बैटरी भी ये ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी निकाल के दे देते। और मैं यू सीरीज़ लेने के लिए ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करता नहीं हूँ, बिकॉज उससे बेटर जो है सीरीज़ वो है हमारी पी सीरीज़। अब पी सीरीज़ आपको सिर्फ इंटेल के अंदर देखने को मिलेगी, एंड पी सीरीज़ का काम है एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करना बट साथ में परफॉर्मेंस भी देना। अगर आपको मैं एग्जांपल के लिए 1340p का एग्जांपल देता हूँ, जो कि इंटेल i5 का प्रोसेसर है, तो ये प्रोसेसर बिना ग्राफिक कार्ड के भी आपको GTA 5 के अंदर 45-50 FPS आराम से निकाल के दे देगा, वो भी हाई सेटिंग्स के ऊपर आपको ये FPS मिलने वाले हैं। तो ये काफ़ी सारे यार पुरानी गेमिंग लैपटॉप्स को पीछे छोड़ने का दम रखता है। और बात करते हैं इसकी यूजेबिलिटी की, तो ये उन टास्क में काफ़ी अच्छा रहेगा जहाँ पे आपको कभी कभार लाइट गेमिंग करने का मन करे, लाइक आपको वैलोरेंट खेलना है, कभी GTA 5 खेलने का ऐसे मन कर गया, एंड साथ में आपको चाहिए यार बैटरी लाइफ भी मेरे को अच्छी निकाल के दे दे लैपटॉप, तब आप इस प्रोसेसर की तरफ जा सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगा पी सीरीज़ की तरफ जाना। अब बात करते हैं एच की। एच और एच एस ऐसे प्रोसेसर हैं जो कि हैवी लोड परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं। इन पर अगर आपको 3D मॉडलिंग करनी है, हैवी गेमिंग करनी है, या एडिटिंग जैसा कोई भी हैवी टास्क परफॉर्म करना है, तो आप एच एन एच एस की तरफ जा सकते हैं। और एच एस जो होती है वो एच से भी थोड़ी सी पावरफुल इसलिए होती है क्योंकि ये आपको क्लोज टू डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस निकाल के दे देती है। तो डेस्कटॉप के अंदर कॉम्पोनेंट बड़े होने की वजह से उसके जो पार्ट्स है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाते हैं। और अगर एच एस सीरीज़ का प्रोसेसर देखा जाए तो वो थोड़ा क्लोज टू आपको उसके जितनी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा, बट एकदम उसके जितना परफॉर्मेंस नहीं निकाल के दे सकता वो। एंड लैपटॉप के लिए उतनी पावर सफिशियंट है। अब मैं आपको एक पर्सनल रिकमेंडेशन देता हूँ, जब से इंटेल ने अपना 12th जेन प्रोसेसर लॉन्च करे उसके बाद से AMD को इंटेल काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन देती हुई आ रही है। एंड हर जगह देखा जाए तो इंटेल बेटर ही परफॉर्म कर रहा है अब तक देखा जाए तो, चाहे कोई भी बेंच मार्क हम लोग उठा के देखें, चाहे वो डेस्कटॉप लेवल के देख लें, चाहे हम लैपटॉप्स में देख लें, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राइजन से बेटर अभी इंटेल परफॉर्म कर रहा है। सो मैं पर्सनली भी आपको यही रेकमेंड करूँगा कि फ्यूचर को भी देखते हुए अगर आप इंटेल की तरफ अभी जाते हैं तो आपका वो डिसीजन बहुत सही जाएगा और अपने लैपटॉप से आप कभी भी दुखी नहीं होने वाले, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करके देने वाला है। इसी के साथ ना लैपटॉप्स की एक और कैटेगरी है जो कि इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप्स होते हैं। इनके अंदर ना इंटेल की ईवो चिप लगी हुई होती है। अब किसी भी लैपटॉप को अगर ईवो का सर्टिफिकेशन मिला है तो उसको सर्टेन क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता है, एंड वो मैंने अभी स्क्रीन के सामने प्रेजेंट कर दिया है। ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही किसी को ईवो का बैज मिलता है। एंड ईवो चिप ऐसी चिप है जो कि आपको काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ के साथ साथ काफ़ी एक तगड़ी परफॉर्मेंस भी निकाल के दे देता है। एंड साथ साथ कुछ कुछ ईवो चिप्स के अंदर आपको एच सीरीज़ का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा, तो इसके साथ आप आराम से प्रोडक्टिविटी वाला कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एंड आपकी एफिशिएंसी भी बिल्कुल भी मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छे से आपको बैटरी लाइफ भी डिलीवर करके देगा, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी निकाल के देगा। एंड जो इसके अंदर हार्डवेयर भी यूज़ किया जाता है, चाहे वो रैम हो जाए SSD हो जाए, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। वाईफाई भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए या क्रिएटिव पर्पज़ के लिए या स्टूडेंट पर्पज़ के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ईवो की तरफ आराम से जा सकते हैं। इसी के साथ ना प्रोसेसर में एक और चीज़ होती है, कोर्स इन थ्रेड्स। जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतने ज़्यादा लैपटॉप फास्ट होगा, एंड जितने ज़्यादा थ्रेड्स होंगे उतने ही जो रेंडरिंग वाले जो टास्क होते हैं उनमें लैपटॉप बेटर परफॉर्म करके निकलेगा। अगर आप कोई भी टास्क करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि हेक्सा कोर से नीचे मत देखना। वैसे भी अभी आपको लेटेस्ट भी हेक्सा कोर CPUs ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, क्वाड कोर्स आपको उतने नहीं मिलेंगे अनलेस एंड अनटिल आप i3 की तरफ या i3 की तरफ जा रहे हैं। और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि अगर आपका अच्छा खासा टास्क रहते हैं, आप मल्टीपल टास्क करना पसंद करते हैं अपने लैपटॉप के साथ, तो आप मिनिमम i5 या i5 की तरफ जाइए, तब आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी एंड वो फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा लैपटॉप। सो यहाँ पे CPU से रिलेटेड सारी बातें खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सबके रिप्लाई कर दूंगा। अब 4 चेकलिस्ट आती है हमारी ग्राफिक्स की। लैपटॉप के अंदर ना दो तरह की ग्राफिक्स होती है, एक होती है इंटीग्रेटेड, एक होती है डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के अंदर क्या होता है, जो हमारा CPU होता है उसी के साथ एक आपको सोल्डर्ड हमारी ग्राफिक्स भी होती है, जो कि ऐसी कोई डेडिकेटेड चिप नहीं होती जो हमारी मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल्ड होती है, बट वो हमारे प्रोसेसर के साथ ही सोल्डर्ड होती है और वो उसी के साथ काम करती है। तो इंटीग्रेटेड GPUs होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, एंड वो ज़्यादातर आपके जो डेली के काम होते हैं या लाइट गेमिंग अगर आपने कर ली तो वो सारे काम आराम से संभाल लें। बट जहाँ डेडिकेटेड GPU आता है वो वहाँ पर आता है जब आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी परफॉर्मेंस चाहिए अपने लैपटॉप से, लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा रेंडरिंग का काम करना होता है या गेमिंग का काम करना होता है, तो ऐसे जितने भी हैवी टास्क होते हैं वहाँ पे एक डेडिकेटेड GPU का होना आपके लैपटॉप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटेल के अंदर जो आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने को मिलेगी वो है Iris Xe ग्राफिक्स, एंड आपको AMD के अंदर वो Radeon ग्राफिक्स देखने को मिलेगी। एंड अगर डेडिकेटेड की बात करते हैं तो AMD एंड इंटेल दोनों ही ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चर करते हैं, साथ में इंटेल भी मैन्युफैक्चर करता है जो कि आर्क सीरीज से आता है। आर्क की मैं अभी बात करने नहीं वाली क्योंकि वो ना बहुत ही नई GPUs है और उनके ऊपर अभी भी टेस्टिंग चली रही है, तो अभी इतने रिलायबल नहीं है। तो आप
एनवीडिया या एएमडी में से ही कोई देखना, जनरली आपको लैपटॉप में एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स ही देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिलेक्टेड लैपटॉप्स हैं जिनके अंदर आपको एएमडी के ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेंगे। बट एनवीडिया का फायदा यह है कि इसके अंदर रे ट्रेसिंग एंड डीएलएसएस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि गेमिंग के वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, और ये सपोर्ट आपको एएमडी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए एनवीडिया की तरफ ही आप जाना। एनवीडिया के अंदर फिलहाल के लिए 3 सीरीज चल रही है, 20 सीरीज, 30 सीरीज एंड 40 सीरीज, जिसमें से 20 सीरीज जो है उसका सिर्फ 2050 कार्ड अभी के लिए अवेलेबल है। वो 1650 Ti को रिप्लेस करने के लिए आया था। उसके अलावा जो अवेलेबल है वो 30 सीरीज एंड 40 सीरीज, यानी 3050, 3050 Ti, 3060 एंड सो ऑन, जो भी चलता जा रहा है। एंड सेम 40 सीरीज का फायदा है, जितना इंक्रीजिंग नंबर है उतना ज़्यादा ग्राफिक कार्ड बेटर होता चला जाएगा। एंड साथ में ग्राफिक कार्ड में एक और चीज़ देखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के अंदर, कि आखिर उस ग्राफिक कार्ड की TDP वैल्यू कितनी है। क्योंकि ऐसा कई बार देखने को मिला है कि सेम ग्राफिक कार्ड होने के बावजूद, सेम स्पेक्स होने के बाद भी, उन लैपटॉप की जहाँ पे वोल्टेज कम होती है, जहाँ पे उनकी पावर अगर कम लिखी हुई है, तो वो आपको कम पावर डिलीवर करके देगा। लाइक अगर एग्जांपल के लिए 3070 Ti की बात करते हैं, तो वो कहीं पर आपको 100 वाट का देखने को मिलेगा, कहीं पर वो 115 वाट का देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे वो 115 वाट का लिखा हुआ है, तो वो वाला 3070 Ti 100 वाट वाले से बेटर काम करेगा। तो ये वोल्टेज का भी देख के लेना। एंड डोंट वरी, मैं आपके लिए लैपटॉप की पूरी सीरीज लेकर आ जाऊँगा, जहाँ पे मैं आपको पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा कि कौन से लैपटॉप किस फील्ड के लिए बेटर रहते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी के साथ ग्राफिक कार्ड का भी सीन खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँ। अब बात करते हैं हम लोग अपनी 5th checklist के, जो कि होते हैं रैम एंड स्टोरेज। रैम अब बिल्कुल भी 8 GB आपको रैम नहीं देखनी है, आपको लेनी है तो सिर्फ 16 GB रैम लेनी है, क्योंकि 8 GB बिल्कुल सफिशियंट नहीं है। एंड 8 GB में भी आपको DDR4 या DDR5 रैम ही लेनी है। SSD की अंदर बात करते हैं तो 512 GB की SSD होनी चाहिए। एंड लैपटॉप में ना यार कोई हार्ड ड्राइव मत रखना, अब हार्ड ड्राइव वाला जमाना गया, ठीक है। अगर आपको देखना है तो भाई SSD वाला लैपटॉप ही लेना है। लैपटॉप में ज़रूर देखने का कि यार आपको अपग्रेडेबल स्लॉट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ताकि आप अपना फ्यूचर के अंदर आप आराम से अपग्रेड कर सकें, और आपको एग्जिस्टिंग SSD को रिप्लेस ना करना पड़े, या फिर एग्जिस्टिंग रैम को भी रिप्लेस ना करना पड़े। अब बात करते हैं हमारी 6th checklist की, जो कि हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले का सीन ऐसा है कि डिस्प्ले में आपको सिर्फ और सिर्फ IPS LCD पैनल की तरफ ही जाना है। मैं OLED बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। फर्स्ट रीज़न कि उसके अंदर आपको OLED बर्निंग का इशू देखने को मिलता है। स्क्रीन के ऊपर अभी मैंने आपके सामने कुछ पिक्चर्स रख दिए, जिसके अंदर आप समझ जाएंगे कि आखिर OLED बर्निंग होता क्या है। एंड सेकेंड रीज़न, ये बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। नॉर्मल जितनी भी IPS LCD है, ये उनसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। सो आपको जाना है तो आप IPS LCD डिस्प्ले की तरफ जाना। क्रिएटर्स के लिए अगर चाहिए डिस्प्ले, तो मैं क्रिएटर्स को रिकमेंड करूँगा कि दो रेटिंग्स होती है हमारे डिस्प्ले के लिए, जो कि होती है NTSC एंड एक होती है sRGB रेटिंग। अगर आप अपने लिए कोई क्रिएटर्स अपने लिए लैपटॉप देख रहे हैं, तो यार उसके अंदर NTSC की रेटिंग होनी चाहिए 72% से ऊपर, एंड sRGB की रेटिंग होनी चाहिए 95 या उससे ऊपर, तब जाके वो आपको एक्यूरेट कलर शो कर पाएगा। और अगर आप गेमिंग लैपटॉप देख रहे हो, तो उसके अंदर रिफ्रेश रेट ज़्यादा मैटर करता है, जो कि आपको गेमिंग लैपटॉप के अंदर 120Hz से लेके आपको 144 या उससे ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड बाकी जितने भी नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं, उनके अंदर मेजरली अभी 60Hz का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम लोग कीबोर्ड, ट्रैक पैड एंड हमारी USB पोर्ट्स की। कीबोर्ड देख रहे हैं कि यार बैकलेट ही होना चाहिए आपका। 50,000 से नीचे बहुत ही कम लैपटॉप्स ऑफर कर रहे हैं फिलहाल के लिए बैकलेट कीबोर्ड, बट 50,000 से ऊपर लगभग सारे ही लैपटॉप आपको ऑफर कर देते हैं। बैकलेट कीबोर्ड के यार काफ़ी सारे फायदे, एक बार आप यूज़ करके देख लोगे तो आप वापस नहीं जा पाओगे, इसलिए बैकलेट कीबोर्ड जरूर देखना है। ट्रैक पैड का साइज़ देख लेना यार अपने हिसाब से, जो आपके ये सफिशियंट हो उसी की तरफ जाना, बिल्कुल बहुत ही छोटा साइज मत ले लेना। एंड अगर पोर्ट्स की बात करते हैं, तो आपके लैपटॉप के अंदर एक HDMI पोर्ट होना चाहिए, एक हेडफोन जैक होना चाहिए, एक मिनिमम एक USB टाइप सी पोर्ट होना चाहिए, मिनिमम 2 USB Type A पोर्ट होने चाहिए। एंड साथ में आपके लैपटॉप के अंदर एक फुल SD कार्ड स्लॉट होना चाहिए। अगर ये सारे पोर्ट्स है तो बढ़िया है आपका लैपटॉप। और हाँ, एक पोर्ट है जो RJ45 का पोर्ट होता है, एक लैन पोर्ट होता है, ये ऑप्शनल है। गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर तो आपको मिल जाएगा, बाकी लैपटॉप्स जो थिन एंड लाइट होते हैं ना, उनके अंदर से तो हटाते जाए, तो उनमें तो नहीं मिलेगा। तो अपनी अगर रिक्वायरमेंट है इसकी, तो ही लेना। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अब Wi-Fi 6 एंड Wi-Fi 6E फिलहाल के लिए लेटेस्ट चल रहा है, एंड ब्लूटूथ हमारा 5.3 चल रहा है लेटेस्ट। अब बात करते हैं सबसे आखिरी चीज़ की, जो कि हमारी बिल्ड क्वालिटी। देखो, बिल्ड क्वालिटी ना दो तरह की होती है, हमारी मेटल बिल्ड क्वालिटी एंड प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी। मेटल बिल्ड क्वालिटी आपको जनरली प्रीमियम लैपटॉप्स के अंदर देखने को मिलेगी, एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं आपको। बट जो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी होती है, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी खराब होती है, एक हार्ड प्लास्टिक देख के ही लेना आप अपना लैपटॉप। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे ब्रांड्स अच्छा खासा प्लास्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं लैपटॉप के साथ, काफी हार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल डेल एंड HP के साथ मैं अभी भी डिसअपॉइंटेड हूँ। 50,000 के नीचे जितने भी इनके लैपटॉप्स आते हैं, उनसे ज्यादा गंदी बिल्ड क्वालिटी मैंने किसी भी लैपटॉप की नहीं देखी है। सो अगर आप 50,000 के नीचे अगर अपना बजट बना रहे हैं,
तो मैं आपको HP एंड डेल की तरफ बिल्कुल भी जाने का सजेशन नहीं दूंगा, किसी और ब्रांड की तरफ चले जाना। स्पेशली आप लेनोवो की तरफ जा सकते हैं, लेनोवो अच्छी बिल्ड क्वालिटी देता है एंड 50,000 से ऊपर आपको मिल जाएगी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी। एंड अगर आप गेमिंग ले रहे हो तो एक अच्छा हार्ड प्लास्टिक देख रहे हैं यार, लेनोवो के आइडिया पैड सीरीज एंड लीजन सीरीज मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी लगती है उनकी। एंड HP की ओमन सीरीज की भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। सो आपको बिल्ड क्वालिटी भी यार ज़रूर देखनी है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए उसको यूज़ करेंगे, काफ़ी सालों के लिए यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वो लैपटॉप कमज़ोर पड़ जाए, जो कि HP के पड़ जाते हैं भाई, ठीक है, वो सीन हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। सो इसी तरीके से हमारी सारी की सारी चेकलिस्ट खत्म होती है। बट अब बात करते हैं काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि होता है हमारा कि यार लैपटॉप ऑफलाइन खरीदना चाहिए या फिर ऑनलाइन खरीदना चाहिए। तो मैंने आपको दोनों बता देता हूँ। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में ऐसा सीन है कि आप कहीं से भी लैपटॉप उठाओ फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार लैपटॉप तुम्हारा हो गया, जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है कि उसके साथ कोई भी सीन होता है, कोई भी पार्ट खराब होता है तो तुमको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। एंड सर्विस सेंटर अगर लेके गए, ऑनलाइन लैपटॉप हो या ऑफलाइन लैपटॉप हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको इस सर्विस का एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम मिलने वाला है। तो ये तो यार वहम अपने दिल से निकाल दो कि आप ऑफलाइन में लेने जाओगे तो भाई बहुत अच्छी डील्स मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बल्कि ऑफलाइन में जाओगे लैपटॉप आपको ज़्यादा महंगा देखने को मिलता है। जहाँ सस्ता मिल जाए ना लैपटॉप आप वहाँ उठा देना, जहाँ आपको अच्छे ऑफर दिख रहे वहाँ से आप लैपटॉप उठा लेना, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। या फिर ऑनलाइन लेने में आपको ज़्यादा ही डर लग रहा है तो यार एक्सटेंडेड वारंटी भी उसके साथ उठा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो इसी के साथ हमारी सारी की सारी डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है अपने लैपटॉप से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में बता देना। किसी पर्सनल कोई रिकमेंडेशन चाहिए लैपटॉप के ऊपर वो भी बता देना, मैं सबका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।